नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी आदत दूसरे व्यक्ति से तुलना करने की है? क्या आप अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने के चक्कर में परेशान रहते हैं? क्या आप दूसरे से घृणा, द्वेष और तुलनात्मक भावना नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बार बार इस तरह की बातें आती रहती हैं? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन कारणों को बताने के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। दोस्तों, जब मनुष्य एक दूसरे से तुलना करने लगता है तो सबसे पहले मनुष्य का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, उसका दृढ़ संकल्प डगमगा जाता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में बदल जाता है और इस प्रकार उसकी पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। दोस्तों, इंसान की यह आम प्रवृत्ति है कि वह किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे से तुलना करने लगता है और ऐसा करने से इंसान के अंदर ऐसे अनेक विचार पैदा हो जाते हैं जो उनकी राह मुश्किल बना देते हैं। इस प्रकार इंसान अपने आप को बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि इंसान को एक दूसरे से तुलना करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इंसान क्यों नहीं इसके बिना रह सकता है? समस्या यह है कि दोस्तों, इंसान का मन तुलना करने के बाद भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होता है और इंसान इस भंवर में फंसते चला जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातों का घर बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में जितनी अपनी समस्याओं से परेशान नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा वह एक दूसरे के हाव भाव से परेशान होता है। दोस्तों, जब मनुष्य अपनी क्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों के बारे में सोचता है तो वह अपना आपा खो देता है, यानी वह बेबस हो जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। इसे हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी में चार प्राणी हैं। पहला प्राणी सोचता है कि मैं शेष तीनों प्राणियों से अच्छा नहीं हूँ। वह अपनी तुलना तीनों प्राणियों से करता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन अंतिम परिणाम यही निकलता है कि तीनों से वही अच्छा है। कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, गजब का है, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इतना साफ और सफेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा है और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा ही। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के पास शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है भाई, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। ऐसी बात कौवे ने कहा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। सब लोगों के जाने के बाद तब कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो,
तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या बात है? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कौवे से कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो फिर क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता है और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम ही हो, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। अब कौवा ने कहा कि भाई मैं ही अच्छा हूँ उन तीनों प्राणियों से? दोस्तों ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते, लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगने लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों इस कहानी को आप लोग भी अपने जीवन में अप्लाई कर एक दूसरे से तुलना करने की आदत को खत्म कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को 8 ऐसे मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपना कर एक दूसरे से तुलना करने की आदत को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। 8 मूल मंत्र इस प्रकार हैं। पहला, अपने तुलनात्मक व्यवहार के सोर्स को पता कर। दूसरा, आप अपने आप को किस प्रकार देखते हैं ऐसे विचारों को जानकर। तीसरा, अपने आत्म सम्मान का आकलन कर। चौथा, आपके पास जो भी है उसकी सराहना कर। पांचवा, अपने आप को दयालु बनकर। छठा, अपने आप को कंट्रोल में रखकर। सातवां, अपने विचारों और व्यवहार को बदल कर। आठवां, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल कर। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।